आपकी बहन मिसिस चौधरी इन एक्शन आ चुकी है और इस वक्त कराची शहर की एक हसीन से टांगे में बैठी हुई है। देखिए कितना प्यारा लाल टांगा तो पीले कपड़े। कराची वाले अल्लाह का नाल हो तुसी थोड़ी सफाई कर लिया करो कभी। हाए कबूतर किन्ने प्यारे ने कराची के कबूतर, कितना अच्छा लग रहा है ये है माहौल सारा। हाए माहौल चेक करो तुसी। अब हम जा रहे हैं बंस रोड, उधर खाने पीने की बड़ी जगह है, इधर तो बड़े खाबे मिलते हैं। आए पुराने जमाने की गैलरिया देखो, ये हिंदुओं के जमाने की बनी हुई है, अभी तक नहीं गिरी। साड़ियां तो देखो कोठी पाओ तो 1.5 साल बटे पैंदी है। बंदर रोड से की मारी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, बाहु हो जाना फुटपाथ पर, है ना। हाय कितना प्यारा गाना होता था। अस्सलाम वालेकुम मेरे कराची के बहनों भाइयों हैं, मेरे पाकिस्तान के प्यारे बहन भाइयों, मेरे यूट्यूब के दोस्तों, आपकी बहन मिसिस चौधरी इन एक्शन आ चुकी है और इस वक्त कराची शहर की एक हसीन से टांगे में बैठी हुई है। देखिए कितना प्यारा लाल टांगा तो पीले कपड़े हैं जी। बात यह है कि हम बचपन में टांगे में बैठ के स्कूल जाते होते थे, लेकिन हमारे जो पंजाब के घोड़े थे उनकी शान नहीं कुछ और थी, उनकी तो बादशाही थी बड़ी। क्या बात है, अब तो बेचारे घोड़े जो खोते लगते बल्कि टगे लगते हैं। तो हमारे उस वक्त के जो घोड़े थे इतने कोई उनकी शान थी, उनकी किसी की मजाल नहीं थी जो उनको रोक लेते। सड़क पे जिधर से गुजरते उनका दिल करता था लैटरीन कर लेते थे, मतलब के बैतुल खला फारग है, जिते दिल करता सी उत्थे चलो भाई। तो इधर का तो पता नहीं क्या रवाज है। हाय कबूतर किन्ने प्यारे ने कराची दे कबूतर, कितना अच्छा लग रहा है ये है माहौल सारा। हाय माहौल चेक करो तुसी, इसी के तो पैसे हैं। मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को अपने बहन भाइयों को जरा मैं कराची की सैर तो कराऊं, नाले मज़ा भी आएगा, नाले ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बड़ा हसीन है और मैं जवान। तो आपकी बहन मिसिस चौधरी जो है अब कराची शहर में इसीलिए आई है कि दोबारा दोबारा हम आपकी ज़िंदगी में नए से नए चुटकुले छोड़े और मैं यहाँ पे शेफ़ का काम भी करूँ, मैं कपड़े भी डिज़ाइन करूँ। ऐवे को उड़ गए ने, हाए वे परे हो वे तू उड़ा दिते ने कबूतर सारे, तेरा बेड़ा तर जाए। वे ठहर जा, मैं कबूतरों को दाना दे दिया, वे थोड़ी सी नेकी मिलती है, वे खलो जा वे मैं। हाए एक मिनट ठहर जा, मैं देखूँ कितने प्यारे कबूतर हैं। हाए उधर देखो, इनको मैं दाना दूंगी तो मुझे भी थोड़ा सा अल्लामिया मेरे पे जरा रहम करेंगे, बल्कि बड़ा ही रहम करेंगे। भाई देना जरा मुझे दाने। भाई जान सलाम अलैकुम, मैं क्या पुलिस वाले को सलाम बंदा कर लेता, किसी ले फड़े ना जाइए। हमने वैसे कोई हरकत ऐसी की नहीं है, हमने क्या बगाड़ा किसी का जो हमें पकड़ेगा कोई। तो अब कराची में देखिए कितना को प्यारा माहौल है। अमान से वैसे हमारे तो जो फैसलाबाद के लोग हैं ना, उनको चाहिए कराची से आके लोगों से थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग लें कि किस तरीके से टांगे में बैठना है, इस तरीके से ऐसे करके। हाँ एवें फड़ के तो तुम बह जाते हो नाले, जब टांगा उलार होता तो तुम उत्तर इट रख लेंगे हो। हमारी तरफ तो इस तरह नहीं ना होता, कल टांगा तो कल ही इतने अपनी मिसिस चौधरी ऐश भी करती है। लेकिन बस हमारे उधर के ना घोड़े अनपढ़ हैं, इधर के मुझे लगता है थोड़े एक मैट्रिक किया हुआ, उधर अंडर मैट्रिक घोड़े हैं, पर मज़ा बड़ा आ रहा है। अरे शहर वैसे खुला खुला है, मुझे गंद बड़ा पाया है। तुम कराची वाले अल्लाह का नाल हो, तुम थोड़ी सफाई कर लिया करो कभी, कूड़ा सारा सुट दिता सड़क तो मोटरसाइकिल वाले तुम अल्लाह पुछे वे तो अल्लाह पुछे तो तुम सिलेंसर कट गए मोटरसाइकिल चला चला के साढ़े कन्न पाड़ दते ने। अब हम जा रहे हैं बंस रोड, उधर खाने पीने की बड़ी जगह है, देखती हूँ भला उधर कराची में क्या क्या मिलता है। लोगों को मज़ा बड़ा आता है इधर आके खाना खाने का, वो ठीक है कि माहौल उस तरह का नहीं है जैसे कि मैं जेंट्री हूँ, लेकिन फिर असली खाने खाने के लिए बंदे को कुर्बानी तो देनी पड़ती है अपनी क्लास की। मेरी कुछ क्लास और है और मैं बंस रोड की तरफ जा रही हूँ। हाय कितना अच्छा लग रहा है, पर रौला बड़ा है इतने तो वहाँ
इतनी को बादी बढ़ गई है, हद होती है वैसे कोई। अरे खाने पीने की कितनी दुकान है, इधर तो बड़े खाबे मिलते हैं। अरे इधर तो देखो कितनी दुकानें खुली हुई हैं, अरे बर्गर इधर आए। पुराने जमाने की गैलरियाँ देखो, ये हिंदुओं के जमाने की बनी हुई है, अभी तक नहीं गिरी, बल्कि अंग्रेज ही बना के गए थे शायद। हाँ अंग्रेजों के जमाने की है साड़ियाँ, तो उत्थे देखो कोठी पाओ तो 1.5 साल बाद ढह पैंती है। तुम तो रेत मिलाई होंगी ना सीमेंट, अल्लाह का नाम है तुम ईमानदारी सीख लो पाकिस्तानी हो। हाय ये गैलरी देखो जरा कितना पुराने पुराने घर हैं। लेकिन पता मैंने देखा था, मैं एक दफ़ा बचपन में आई थी ना इधर से, लोग टोकरी लटका के उसी में सौदा ऊपर कर लेते होते थे, बड़ा आराम था, पेट्रोल भी नहीं था लगता है ना। अच्छा तो ये इलाका बड़ा मशहूर है वैसे कराची का, इसको क्या कहते हैं बंस रोड। तो इधर मेरा ख्याल है बिजनेस होता होगा, तो बिजनेस की जगह पे उन्होंने बंस कह दिया होगा उसको। हाँ अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, हल्के हल्के झूले आ रहे हैं, वहाँ भी चल रही है। कराची की हवाएं बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, तो इसीलिए तो मैं आपके शहर में आई हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ रबते में रहूँ। लेकिन आपने मेरा YouTube अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज आप कर ही लेना है। प्यारा लग रहा है ना कुर्ता, लाल टांगा तो फिर पीला कुर्ता है ना, मैं अच्छी लग रही हूँ ना मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैंने ये सोचा है कि आपको मैं वन सवन्नी जगहों पर ले कर जाऊँ, और आपको सैर भी कराऊँ, और आपको खाने पका के भी खिलाऊँ, और आपको क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाऊँ। इस ज़माने में तो हर कोई हर चीज़ कर सकता है। देखिया नहीं जिदा दिल करता है माइक फड़ के इंटरव्यू लैन लग पैदा है, जिदा दिल करता हांडी पका लग पैदा है, जिदा दिल करता है कोई ना कोई यहोजा काम करता है, जिद ना कोई मस्त जिते मर्जी निकल जाओ कोई पूछण वाला नहीं गा है। तो मैंने भी सोचा मेरे में टैलेंट की कमी तो है नहीं, हसीन हूँ जवान हूँ, मैं तो जो चाहूँ सो कर सकती हूँ। वे मोटरसाइकिल वाले वे ना तो रौला पा के गया, सारी मेरी गल खराब कर देती है। हाँ तो किसी दिन हम ऐसा करेंगे कि टांगे में सैर करते करते वो गाना भी गाएंगे। एक गाना था ना बल्कि मुझे याद ही आ गया, वे चटके ना मार वे कोड़िया, बंदर रोड से की मारी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, बाहू हो जाना फुटपाथ पर, है ना। हाय कितना प्यारा गाना होता था। फोन बज गया मेरा। हेलो सरताज, अस्सलाम वालेकुम। चोई साहब क्या हाल है आपका? चोई साहब मैं इस वक्त बड़ी बिजी चल रही हूँ, मैं इस वक्त कराची की शहराहों पर फिर रही हूँ, और एक हसीन सी बग्गी मेरे साथ है, मैं तो टांगे में बैठी सैर कर रही हूँ। हाँ तो ऐसा मेरे पीछे ना लग जाए करो, तो हाँ जो तो मैं किसी काम से निकल तो पीछा कर दो। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं मैंने आला नहीं लगाना, आपने लगाना है। बोले तुसी हो, मैं नहीं हैगी, इतने रौला ही बड़ा है, मोटरसाइकिल ने हद की है, थोड़ा बेड़ा तर जाए वे तुसी सलेंसर कट के चला हर वेले। हाँ चोई साहब बस अब मेरा पीछा ना करें, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। हाँ नहीं पैरों पे नहीं, मैं इस वक्त टांगे पे बैठी हुई। हाँ हाँ बाद में करियो फोन, इसलिए मैं बिजी चल रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं हैगा। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह करो। प्यारी दिल कर रहा है सेल्फी खिंचा लूं इसके साथ।